हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राम। वेलकम है आपका मेरे चैनल पर। आज की वीडियो में बात करूंगा द बाउंटी हंटर मूवी बारे में। ये 2010 में रिलीज हुई एक एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो अब अवेलेबल हो चुकी है हिंदी में, जिसे मैंने अभी कुछ देर पहले देखकर खत्म किया है। इसे देखकर जो भी अच्छा बुरा एक्सपीरियंस था मेरा इस फिल्म के साथ, वो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। फिल्म में क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा। देखो, फिल्म कहानी फोकस करती है मतलब एक कैरेक्टर पर जो मतलब अपने एक हिसाब से बेगुनाही छुप मतलब बचा रहा है। वो अपनी मतलब एक्स वाइफ को पकड़ना चाहता है, उसके पास्ट में बहुत कुछ अलग हुआ हुआ है। अब ये दोनों मिलकर इस जो पूरा केस है उसको कैसे सॉल्व करेंगे, वो आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। देखो दोस्तों, मुझे फिल्म पसंद नहीं आई, यानी मैंने जिस उम्मीद से इस फिल्म को देखा था ना, वो मुझे इतनी पसंद नहीं आई। कुछ कॉमेडी सीन और कुछ एक्शन सीन फिर भी मुझे फिल्म में अच्छे लगे, क्योंकि मुझे इस फिल्म की जो सिनेमाटोग्राफी है ना वो पसंद नहीं आई, क्योंकि स्क्रीन प्ले सही लिखा ही नहीं है। हिंदी डबिंग दोस्तों मुझे ठीक ठाक लगी, और ऊपर से दोस्तों कई सीन ऐसे हैं जो फिल्म को बिल्कुल ही बोर कर देते हैं। तो मेरी मानो, अगर आप रिव्यू देख रहे हो, आप फिर फिल्म सोच रहे हो कि देखें ना देखें, तो मैं बोलूँगा फिल्म स्किप कर सकते हो, फिल्म इतनी पसंद नहीं आएगी। रूटीन ऑडियंस को फिल्म अच्छी नहीं लग सकती है। हाँ, लेकिन जिन्हें मतलब रिव्यू से मतलब नहीं है, जो डाई हार्ड हॉलीवुड मूवी लवर है, जिनको फिल्म देखने से मतलब है, उनके पास कोई मूवी बची नहीं है देखने के लिए, वो भले फिल्म को इन्जॉयमेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए जो तक छोटा सा रिव्यू बनता था जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, हमेशा बोलता हूँ दोस्तों, चैनल को सपोर्ट जरूर करो। वीडियो देखने पर लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम जो भी मूवी आपके लिए सजेशन करते हैं, देखते हैं, आपको वो चीज़ पसंद आ रही है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो। मिलता है अगली वीडियो में ऐसी एक और मूवी का रिव्यू लेकर।